फरीदाबाद के लग्जूरियस मॉल ऑफ फरीदाबाद, ये पैसिफिक वालों का, इनके लोगों वी फाइनली एंटर्ड द मोस्ट एक्सक्लूसिव मॉल। बताऊं यहां लोग ना झुग्गी वाले टट्टी करने आते थे, पत्ते बेचारा मैं पैसे मांग रहे। राम राम भाई सारिया ने, मैं थोड़ा अपना राहुल भेजा ते वेलकम है जी नए व्लॉग विच थोड़ा। तो भाई हम पहुंच चुके हैं फरीदाबाद के लग्जूरियस मॉल में, अभी जो खुला नहीं है, ये तो बस अड्डा फिलहाल। इनको मूत कराने पब्लिक को के भाई, कभी तुमने देखा ऐसा नीचे बस अड्डा और ऊपर मॉल? यहाँ फरीदाबाद में हो रहा है, फॉरेन वाला कांसेप्ट है इनका। हाँ फॉरेन का है कांसेप्ट पूरा। तो अब हम देखने जा रहे हैं भाई, तो ऐसे लग रहा है मैं बढ़िया जगह है इधर से। वैसे आपने देखा कभी ऐसा कि बस अड्डा हो नीचे और ऊपर मॉल हो? नहीं, ये पहले ही मॉल है। पहले ही लग रहा है ना, बढ़िया है भैया, बढ़िया बनेगा तो फरीदाबाद का नाम ऊंचा कर देंगे बिल्कुल। अभी अंदर चलते हैं, कैसा माहौल है देखते हैं। उस बार तो एसी भी है। ओ ऐसा भाई बस अड्डे में एसी लगा हुआ है, मैं तो यही पहली बार देख रहा हूँ। चलो दिल्ली वाले में तो है, चलो फरीदाबाद के लोग इतने आराम से एसी निकाल के ले देंगे। यहाँ से एसी ना चला जाए कोई। अरे इधर से चल गया भाई, ये यहाँ से सारी बसें, मोस्ट प्रोबेबली सारी बसें तो जाती हैं, ये कोटद्वार, रामनगर, प्रेमनगर, देहरादून सारी जाती हैं यहाँ से बस। उसकी फोटो ले लेती काम आता है। क्या यहाँ कहाँ जा रहे हो? मॉल के मॉल। अभी अंदर से गाइस आपको मॉल दिखाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। बाकी हल्द्वानी, ऋषिकेश, हरिद्वार के अंदर एंट्री नहीं, हम पता नहीं कैसे घुसे। सौरभ जोशी तो लंदन घूम रहा है, पीयूष से मिलाइए, व्यूज तो वही देता है वही अंकल। कहाँ जा रहा है? पूरी मॉल वाली फीलिंग है, टोटली मॉल वाली, कोई कह नहीं सकता कि बस अड्डा है ये। देखो एंक्वायरी, टिकट काउंटर, क्लॉक रूम, वेटिंग रूम, पार्सल, भाई साहब बहुत जेन्युइन बना हुआ है। तो अभी हम मॉल की जुगाड़ देख रहे हैं, एंट्री नहीं है बट हाँ जैसे तैसे भागेंगे, घुसेंगे, घुस के कोई ना कोई टोकेगा तो सही, कोई ना कोई तो टोकेगा। मॉल ऑफ फरीदाबाद, ये पैसिफिक वालों का, इनके लोगों से हमें पता लगे, लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ किन का है, लेकिन हमने लोगों से गेस करवा लिया, लोगों मतलब कि उसके ब्रांड लोगों से हमें पता लग गया कि ये पैसिफिक मॉल है फरीदाबाद में, पैसिफिक मॉल। जेन्युइन लग रहा है बहुत। उधर उस साइड का कॉर्नर पूरा बस अड्डा है और ये साइड पूरा मॉल की साइड है। गार्ड हमारे पीछे भी चार थे लेकिन हाँ हम निकल लिए। इंक्वायरी करूँ, वी फाइनली एंटर्ड द मोस्ट एक्सक्लूसिव मॉल। मुझे लगता नहीं है किसी ने कवरेज करी होगी यहाँ की। ओ भाई यूनी वो भी ऑथराइज है, यूनिकॉर्न, ये स्टारबक्स, यूनिकॉर्न लाइफस्टाइल, जैक एंड जोन्स, वही सारी ब्रांड खुल रही हैं। एसिक्स है, टाइटन है, ऊपर है पूरा। हाँ ये उसी का है, पैसिफिक में एग्जैक्ट, पैसिफिक पैसिफिक का जसोला में मॉल खुला है ना, एग्जैक्ट यही ऊपर उसके है और ऐसी लाल किला बना हुआ है उस पर, चायोज वगैरह। ओ भाई बहुत जेन्युइन, बहुत जेन्युइन। बाटा भी है नीचे, बाटा भी खुल रहा है, स्केचर्स भी है, मैकडोनल्ड्स खुल गया वो देख, तीन नंबर वालों रेडी रहो मैकडोनल्ड्स के लिए। एक नंबर वाले, तीन नंबर वाले सब रेडी रहो भाई, बहुत हमारे लिए तो बड़ी। मैक्स भी है, हाँ बिल्कुल, वही तो देखने आया हूँ मैं, वही तो दुकान का मुआवजा तो करने आया हूँ। बहुत तगड़ा बन रहा है यार, तुम भी अपना भाई कसम से कह रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे मॉल खुल रहा है और ये चलेगा 100% चलेगा, क्योंकि फरीदाबाद वाले सारे मथुरा रोड की साइड भागते हैं और यहाँ पे अब आएंगे ना सारे, पता लगेगा पूरा ऊपर है देखो पूरा जेन्युइन, लाइटनिंग भी बहुत जेन्युइन प्रॉपर हो रखी है। देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड से इंटरव्यू लेता हूँ थोड़ा सा, हो पाया तो। क्या कह रहा है? घास इतनी अच्छी है दबाव में लोगों के नसीब, रोज गार्डन में ऐसी घास नहीं है। कह रहे हैं यहाँ पे पब्लिक लुट रही थी, सबसे पहला बंदा तो तू गया लेटने। सही है वैसे भाई लोकेशन, मैं सच बता रहा हूँ कसम से कह रहा हूँ, पीछे स्टेडियम, इधर मॉल बस अड्डा, इधर रोज गार्डन, मतलब डेवलप्ड फील हो रहा है ऐसा कि फरीदाबाद भी इस लेवल पे पहुंच सकता है।
बढ़िया भाई। जगह सारी खंडर पड़ी होती थी यहाँ पर, मैं एग्जैक्टली बताऊँ, यहाँ लोग ना झुग्गी वाले टट्टी करने आते थे। अबे लोग कूड़ा फेंकते थे यहाँ पे, बहुत गंदा कूड़ा फेंकते थे, झुग्गी वाले टट्टी करने आते थे। सही में अपना बता रहे यार, खुद आता था। बचपन में गाइस हम क्रिकेट खेलने जाते थे, बीच में जाते थे जंगल से, तो मालूम है ये खाली एरिया था, पूरा खाली एरिया, सिर्फ एक बस अड्डा था जो उस साइड था, ये साइड खाली, यहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते थे। ये जमीन राहुल के पापा की थी, ये व्लॉग में डलेगा जो मेरे पापा ने फिर सुनता है। पत्ते बचारा, मैंने पैसे मांगे मैंने ऐसे करा, ये तेरी आ रहा है, ये तो ऐसी निकाली मॉल के बाहर खड़ा हो जाएगा, इसने प्लानिंग बना ली अभी से ऐसे करने पे, एक बैग टांग ली और वेग लगा ली भाई। पर मैं जो मतलब हमें जो फील हो रहा है ना, इसको बहुत अच्छा मतलब डेवलप्ड फील हो रहा है, प्राउड फीलिंग है, जैसे राहुल के पापा की तो है। कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ इनकी दुकान बिल्कुल साथ में लगती है मॉल के, कि वैल्यू बढ़ जाएगी। कह रहा कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी, मैं कह रहा हूँ लोग आएंगे, उनकी गाड़ियाँ बाई चांस खराब होगी, डेंट मार दी, किसी ने एक्सीडेंट हो गया, तो इनके पास ही तो आएंगे। कर देना जो नई गाड़ी ले उसको मारते थे और अपना हाँ जी आओ लखानी पे गाइस, इसका मतलब मैं बताऊँ, हक दिया ये काम तो तेरा है भाई। यार मैं एक जेन्युइन चीज बताऊं गाइस, आप बताओ, ये तो कोई वैली बात है, अगर मॉल खुल रहा है, फुटफॉल बढ़ेगी, लोग आएंगे, गाड़ी आएंगी, गाड़ियां ठुकेंगी भी तो सही आएंगी, तो भाई चल 100 गाड़ियां, 100 में से तो लगेंगी, 100 में से 5-7 गाड़ियां लोगों को पता लगेगा, तिकोना पार्क गाड़ियों की मार्केट है, लोग इतने ध्यान से मूवी देखेंगे, चश्मे भी लगेंगे, तो चश्मे की दुकान तो पहले लेंस कार्ड वाला ना अंदर आ गया, बोर्ड लगा दो ना, वेट होना एंड ऑप्टिकल लेंस कार्ड के बाहर दुकान का बोर्ड लगा देते हैं, लटका देंगे, लटका से गाड़ेगा, टाइल लगी हुई है यहाँ पे, ओके क्या बोर्ड कंट्री करके लगाना है। The next day, भाई नेक्स्ट डे व्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम आ चुके हैं तनिष्का के घर और हम कर रहे हैं गणपति जी की डेकोरेशन, तो दिखाते हैं आपको। हमें तो 4-5 दिन हो गए करते हुए काम, लेकिन आज मैं आया हूँ तो सोचा व्लॉग चल रहा है तो कंटिन्यू कर लेता हूँ यहाँ से। भाई प्रथम भाई की नीला और ये नीला नीला भी इसलिए बनाया है, है क्या ये स्काई है, बादल बादल बना रहे, मेरा बादल नहीं है, अभी इस पर बादल बादल बनेंगे तो ये बढ़िया लग जाएगा। और मेन चीज़ ये है, ये हमने बनाया पहाड़ गणपति जी के बैकग्राउंड में, और इसके बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड रहेगा स्टेट में यहाँ पे वॉल पे, और इसके ऊपर होगा हमारा स्काई, ठीक है, जो वो स्काई बन रहा है तो। और ये शायद हम शिव जी पार्वती जी की फ़ोटो यहाँ पे गुफा में लगाएंगे, और लाइटनिंग वाइटनिंग का करेंगे, देखेंगे बाकी आफ्टर लुक क्या आती है, अभी तो बहुत फैला हुआ सामान, अभी असेंबल होगा तो बढ़िया लगेगा, यहाँ पे टेंट वेंट करके पूरा प्रॉपर मंडप सजा देंगे। और मुझे लगा तू तू बेइज्जती कर दी है, मैं बोल रहा था मैं पातेर भी पॉइंट मार डाल दिया भाई, अभी कह रहा हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, होप दैट आपको व्लॉग पसंद आया होगा, बाकी आपको कल और भी डेकोरेशन दिखाएंगे जब गणेश चतुर्थी बनाएंगे, बहुत जेन्युइन प्रोग्राम होगा भैया के यहां भी और यहां पे भी, मिलते हैं गाइस, तब राहुल के पापा ढोल लगाने वाले लेके आ रहे हैं, बजाएंगे कुछ, कर दो कट।